अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मोम्स लोग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कि अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लू है, फ्लू तो मुझे इवन के अभी भी है, 25 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं। काफ़ी मेडिसिन भी मैंने यूज़ किया बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे ना असल में चाइना में काफ़ी पोलन एलर्जी का मसला है, और काफ़ी ज़्यादा वो है ना पोलन, तो इस वजह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इतनी हालत ख़राब हो जाती है इवन के जब मैं बाहर जाती हूँ मास्क ना यूज़ करूँ तो छींकें और गले में ना कोई चीज़ जैसे वो ख़ारिश वगैरह, और बहुत ना अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो मास्क जो है यूज़ करती हूँ फिर भी मुझे इसी तरह फील होता है, गले में ख़ारिश और इतनी फ्लू हो जाता है, और छींकें और नाक मेरा बंद, और बहुत ना बुरे हालात हैं। बस ना मौसम के हिसाब से ये फिर सेट भी हो जाती है, बारिश एक दो हो तो ये है कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं मुस्लिम स्ट्रीट फूड स्ट्रीट, तो ये शाम का टाइम तो नहीं है वैसे, ये थोड़ा ना बादल वगैरह थे तो इस वजह से ये शाम लग रही है। तो अब हम आ गए हैं बेकरी, तो हमने केक वगैरह लेना था, और बाकी घर की जो मैं स्नैक्स वगैरह लेती हूँ जब मेरा चक्कर लगे तो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये कि रोज़ रोज़ तो वहाँ यहाँ पे वैसे भी नहीं आया जाता, तो जब भी चक्कर लगे तो फिर मैं यहाँ से ले जाती हूँ। ये कि इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, और चीज़ें भी बिल्कुल फ्रेश होती हैं, और टेस्ट वाइज भी इतनी मज़ेदार होती हैं, बड़ी टेस्टी सी होती हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ होती है, और बच्चों की, और फिर ये कि ये देखें इतने अच्छे सैंडविच हैं, फ्रेश से फूड्स वगैरह, मतलब इन्होंने वेजीज का भी यूज़ किया हुआ है। और ये देखें कलमा कितना प्यारा लग रहा है। तो ये केक्स हैं, हमने भी केक लेना था, बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैह की बर्थडे सेलिब्रेट हमने करनी है। तो आज ये कुछ दिन पहले का क्लिप है, तो मैं शेयर कर दूं तो कर दूं, अदरवाइज रह जाता, तो ये इस वजह से अब मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये इब्राहिम कह रहा था कि मामा मुझे लेके दें, तो अभी ये कि 2 घंटे तो तकरीबन ऑर्डर करके, ऑर्डर करने के 2 घंटे के बाद केक मिलता है। तो हमने कहा चलें इधर उधर, हम टाइम थोड़ा स्पेंड करना है, तो ये हम कुछ खा पी लेते हैं। ये चावल है, और साथ में ये चिकन ऊपर इन्होंने डाल के दिया, और साथ में कैचअप और मायोनीज वगैरह, और ये साथ में फ्राइज थे, तो बड़े मज़ेदार से थे। ये मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, मगर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था टेस्ट वाइज भी। और ये शवारमा है, यहाँ पे ऐसा शवारमा मिलता है, टेस्ट वाइज भी कैसे काफ़ी अच्छा था, मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था। खैर अब हम घर आ गए हैं, और ये देखें विलादत है बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहि। तो ये इतना फ्रेश केक है, ये देखें ज़बरदस्त केक है, ऑर्डर पे बनवाया क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास केक जो होते हैं वो टेस्ट वाइज ज़रा थोड़ा उनमें ना फ़र्क होता है। तो बस अब हम इंशाल्लाह ये कट करेंगे, और ये साथ में मैंने ड्रम स्टिक्स बना लिए थे, और ड्रम स्टिक जो है ये कि मैंने एक रात पहले इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और ये तो बस ओवन का काम है, ये बस मैं उसमें बेक कर लूँगी। और साथ में मैंने ये चिकन बना लिया था सालन, और ये 6 kg चिकन है, मैंने 6 किलो चिकन बनाया था, और 2 सेपरेट मतलब देचकियों में बनाया था, एक मैंने 3 किलो यहाँ पे बनाया था, और 3 किलो मैंने साथ वाली देचकी में बनाया था, क्योंकि बर्तनों का काफ़ी यहाँ पे इशू प्रॉब्लम है, तो बड़ा नहीं है, तो इस वजह से मुझे 2 में बनाना पड़ा। तो कुछ फ्रेंड्स भी थे, और काफ़ी मज़ा आया, हमने एंजॉय काफ़ी किया, और नान थे साथ में, और केक, और बड़ा मज़ा आया। खैर ये देखिए अभी कोरमा रेडी है, और मैं साथ वाली तेजकी में भी आपको दिखा देती हूँ, ये भी देखें कितना मज़ेदार बना है। तो यह कि यहाँ पे बर्तनों का, हाँ मैं बता रही थी आपको कि बर्तनों का काफ़ी मसला है, तो इस वजह से एक बर्तन हो तो बंदा उसी में बना ले, तो इसलिए मुझे साथ में 2 में बनाना पड़ा। तो ये जो है अब देखें कंडीशन अब इसकी ऐसी है, और नान वगैरह, और काफ़ी मुझे
ना काफ़ी ज़्यादा ये अब मैसी हो गया। देखें ये सिंक जो है बर्तनों से लोडेड हो गया, फुल लोडेड, और अब मैं इसको अच्छे से जो है वॉश करूँगी बर्तनों को और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें अब ये इसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया किचन को, और किचन भी छोटा है, स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से फिर मुझे थोड़े से बर्तन जो है बाहर रखने पड़ते हैं वॉश करके। तो बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, अच्छे से सुखा के ड्राई हो गए थे, तो अब मैं इसको अपनी जगह पे रख दूँगी, पैक करके रख देती हूँ। तो ये अब जो है अब सूख गए हैं, तो अब इनको मैं शॉपर में पैक करके रख दूँगी। तो ये कि मैं साथ के साथ ही काम कर देती हूँ, मैं कल पे नहीं छोड़ती, मैं मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ ही काम कर दूँ जिस दिन हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।